जब मैं स्कूल में ही पढ़ती थी तो मुझे साइकोलॉजी का बहुत शौक था। बच्चों में वो सब मसले मसाल देखे जा सकते हैं जो हम बड़ों में देखते हैं जी। ये मैं बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक किताब लिखूं। अल्लाह ताला में बताते हैं कि अब शुक्र करो तो मैं मतलब के आपको और दूंगा। सुबह जाते वक्त स्कूल में अपनी बच्चियों से कहती हूँ ना कि आप मुझे तीन चीज़ें बताओ जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। कैसे आप अपने आप को फोकस कैसे करें कि आप एक इंसान बहुत सारी 10-12 चीज़ें तो नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे कि चाइल्ड साइकेट्रिस्ट ये क्यों बनी, कैसे बनी और इस तरफ इनका इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ। इसके साथ साथ ये राइटर भी हैं, एक बुक इन्होंने रिसेंटली लिखी है, सीक्रेट्स टू इन्फिनिट सक्सेस, वो हम इनसे जानेंगे। उसमें इन्होंने यूथ को मोटिवेट किया है, वो इन्होंने क्यों लिखी है और उसके पीछे क्या विजन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया मोहम्मद साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहु, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, सबसे पहले स्टार्ट में मैं आपसे पूछूँगा कि आपने MBBS किया, MBBS करके आपने साइकेट्री की फील्ड को क्यों चूज़ किया? इसमें ये था कि जब मैं स्कूल में ही पढ़ती थी तो मुझे साइकोलॉजी का बहुत शौक था। अच्छा। मतलब कि ये समझना कि लोग जो हैं वो कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और उनके बिहेवियर के बारे में कि उनके बिहेवियर की उसके पीछे उनकी वजूहत क्या होती हैं। सही। तो ये था और उसके साथ साथ साइंस में भी शौक था। तो एक समझने कि इन दोनों चीज़ों को मिलाकर मेडिसिन जो मेडिकल स्कूल ख़त्म किया तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसमें इस शोबे में आऊं। तो इसमें बहुत सारी मतलब काफ़ी मुख्तलिफ शोबा है दूसरी स्पेशलिटी से। इसमें हम सिर्फ जिस्मानी लिहाज से नहीं बल्कि ज़हनी और नफसियाती लिहाज से हम बिल्कुल पूरे मुकम्मल तौर पर पेशेंट को डील करते हैं। मैम, चाइल्ड साइकेट्री में आजकल आप प्रेजेंटली क्या क्या काम कर रही हैं और जो मोस्टली आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, बच्चों में वो सब मतलब मसले मसाल देखे जा सकते हैं जो हम बड़ों में देखते हैं। मसलन कि जो कॉमन जो ज़हनी बीमारियाँ होती हैं जैसे कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी होगी, ये चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो हम बच्चों में मतलब वो सब नुमाया होती हैं शुरू में, शुरुआत मतलब बचपन में होती है ना, तो उनको हम असेस करते हैं, उनको हम डायग्नोज करते हैं। मसलन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो गया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया, तो ये काफ़ी हम अपने क्लिनिक में ये जो मसले हैं ना ये देखते हैं। मैम, आपने ये जो बुक लिखी है सीक्रेट्स टू इन्फिनिट सक्सेस और इसमें 99 लाइफ लेसन्स हैं फॉर यंग मुस्लिम्स, इसके पीछे क्या विजन था और क्या एक मतलब आपके अंदर मोटिवेशन थी कि मैंने ये बुक लिखनी है? जी, ये मैं बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक किताब लिखूं और ख़ासतौर पर अपने बच्चों के लिए लिखूं। मेरे पास मेरी दो बेटियाँ हैं माशाल्लाह, तो मेरे बहुत देर से मुझे ये था कि मैं उनके लिए ना कुछ मतलब कि अपनी जो मैंने ज़िंदगी में सीखी हैं चीज़ें दीनी लिहाज से और मतलब के यू नो जनरली लाइफ लेसन्स जो होते हैं कि मैं एक तरह इकट्ठा करके उनके लिए छोड़ कर जाऊँ, क्योंकि ज़िंदगी को पता नहीं होता कि आप कब आपका वक्त आ जाए ना। तो ये अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने ये हिम्मत दी और ये मौका दिया कि इसको मैं लिख सकी। तो ये पिछले साल पब्लिश हुई है। तो इसमें ये है कि शुरू में मैं ये थोड़ा सा डिस्कस हम करती हूँ ना कि इन्फिनिट सक्सेस इससे क्या मुराद है। जी, ठीक है ना, कि हम बहुत सारा हम सुनते हैं सक्सेस, बहुत मतलब के बहुत सारे मुख्तलिफ इसके बारे में सोच होती है लोगों की ना। हाँ, तो हम इसमें मैंने थोड़ा सा डिफ़ाइन किया कि एज अ मुसलमान होने के नाते हम इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो इसकी बुनियाद जो है शुरू में वो मैं इस तरह तो मैंने डिस्कस की है कि वो क्या है, कि वो सिर्फ दुनियावी सक्सेस नहीं है, वो आखिरत का भी जो है ना वो कामयाबी है। तो उसके वो बिल्कुल बुनियाद है और उसके ऊपर फिर बाकी सब चीज़ें बिल्ड होती हैं। तो बाकी जो किताब है उसमें फिर बहुत सारी ऐसे मतलब कि हमारे कुरान सुन्नत के लिहाज से और मुख्तलिफ चीज़ें जो मैंने ज़िंदगी में सीखी अपने उस्तादों से और वैसे ही बस तजर्बे से, तो वो सब मैंने इकट्ठी की हैं इसमें। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि मैंने इस किताब को थोड़ा सा ओवरव्यू किया था, इसमें एक टॉपिक है डिसीजंस जी, वो उस टॉपिक में आपने क्या चीज़ें मेंशन की हैं और इस टॉपिक को क्यों इसमें आपने ऐड किया है? ये कि डिसीजन मेकिंग जो है बहुत एक ज़रूरी हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, बहुत अहम हिस्सा है और इसमें अक्सर जो है
लोगों के हमारे पास स्ट्रैटेजी नहीं होती एक तो, और हम कई बार फैसला कर नहीं पाते या करते हैं तो वो गलत हम कर लेते हैं ना। तो इसमें थोड़ी सी मैंने ये स्ट्रैटेजीज दी हैं या थोड़ा सा एक प्रोसेस दी है कि हम कैसे उसको आप कैसे डिसीजन यू नो बना सके। ओके, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है ना ज़िंदगी में, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, क्या होनी चाहिए, तो आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ों का सब मतलब वे करें ना कि इसमें पॉजिटिव्स नेगेटिव सब देखें, और उसके साथ साथ ये कि अब अल्लाह ताला को इसमें शामिल करें कि आप जो इस्तखारा है जो अल्लाह ताला ने एक हमें तोहफे की तौर पर हमें एक दी है, ये एक टूल दिया है, उसको हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। मैम, पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड पे बहुत लोग बात करते हैं और आपने भी अपनी बुक में इस टॉपिक को शामिल किया है, मुझे ये बताइएगा कि इसको प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है। देखें, ये तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीक्रेट्स हैं टू सक्सेस। अल्लाह ताला में बताते हैं कि अब शुक्र करो तो मैं मतलब के आपको और दूंगा, है ना जी, हर चीज़ में और दूंगा, ठीक है ना। तो हम यू नो एक कॉन्शियसली है ना हमें उसका क्या कहते हैं उसको उसको शुक्र करते हैं, शुक्र अदा करते हैं बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका हम इतना हमें एहसास नहीं होता या हम कॉन्शियसली अवेयर नहीं होते, तो उसमें यह है कि हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए कि हम उन चीज़ों के लिए यू नो कॉन्शियस हम कॉन्शियस हों और उनके लिए हम यू नो अल्लाह ताला को हम शुक्रगुजार हों उनके ना। तो एक छोटी सी मिसाल देती हूँ जो मैंने किताब में लिखी और मैं खुद भी इसको प्रैक्टिस करती हूँ अपने बच्चों के साथ, कि हर रोज़ सुबह जाते वक्त स्कूल मैं अपनी बच्चियों से कहती हूँ ना कि आप मुझे तीन चीज़ें बताओ जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो, और हर रोज़ वो तीन चीज़ें मुख्तलिफ होनी चाहिए, ठीक है ना। और वो इस तरह है कि वो आपका ये प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़, तो अभी देखेंगे वो अब थोड़ा उनको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, और वो ऐसी ऐसी चीज़ें सोचेंगे जो वो आमतौर पर वो नहीं सोचती। फ़र्ज करें वो कहेंगी कि हाँ हमें यू नो दरख्तों के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं जो बिजली का जो खंभा है उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो वैसे वो नहीं हम इंसान नहीं सोचता ना, तो अपने आपको ट्रेन करना पड़ता है। तो ये इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इसमें बात की है। मैम, ये जो हम तस्बीह पढ़ते हैं, खुद कलामी भी इसको कह सकते हैं, ऑटो सजेशन भी कह सकते हैं, या जो हम बार बार अपने आप को अल्लाह पे यकीन दिलाते हैं, तो इसमें अगर हम शुक्र को ऐड करें तो इससे क्या कुछ रिलेट करती हैं चीज़ें? मतलब कि ये सब चीज़ें जो हैं एक ये तो है ना एक तरह अल्लाह ताला के साथ रिश्ता जोड़ने की ये ज़रिए हैं बिल्कुल, जो भी है ना आप उनकी हमद करें या आप उनका शुक्र करें, लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत ही पावरफुल इसका इफेक्ट होता है आपकी जहन पर और आपके नफ्सियात पर, ठीक है ना, कि आपको एक एहसास होता है कि आप अल्लाह ताला के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, और आपको एहसास आपको ग्रैटिट्यूड का मतलब कि शुक्र करने का जो एहसास होता है ना, इसका आपके जो मन पर बहुत पॉजिटिव असर होता है, ये तो हमें रिसर्च से भी पता है। तो ये बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। सही सही, तो आप ग्रेटिट्यूड के लिए किसी को कोई तस्बीह रिकमेंड करती हैं? कोई ख़ास तो नहीं, मतलब मैं एक तरह से आलमा तो नहीं हूँ, लेकिन ये कि जो भी अल्लाह ताला का जो भी कलाम हो तो आप उसको पढ़ें। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि जो भी आप पढ़ें लेकिन आप नीयत से पढ़ें, ये नहीं कि आप बस पढ़ते जाएँ उसमें आपका दिल ना शामिल हो, उसमें मतलब आपकी ज़ुबान और दिल दोनों शामिल होने चाहिए, तो इससे आपका फिर वो जो है रिश्ता जो अल्लाह ताला से ज़रूर बनेगा। मैम, आप अपना यूट्यूब चैनल भी एक चला रही हैं, मुझे उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि उस पर आप क्या अपलोड करती हैं, किस नाम से है? मेरा और मेरी दोस्त बहुत प्यारी दोस्त है डॉक्टर समन खान, वो भी एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है, तो हम दोनों ने ये शुरू किया था यूट्यूब चैनल तकरीबन 1.5 साल हो गए अब। इसका नाम है गपशप विद डॉक्टर सादिया एंड डॉक्टर समन। तो इसमें यह है कि हम ज़हनी बीमारियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी ड्रामास हैं जो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं और पसंद किए जाते हैं, उनमें जो ज़हनी बीमारियां जो दिखाई जाती हैं उनके किरदारों में, उनको हम सामने लेकर आती हैं और उनको हम एनालाइज करती हैं और अपने जो ऑडियंस है उनको मतलब के बड़े एक इनफॉर्मल तरीके से और यू नो एक दिलचस्प तरीके से हम उनके बारे में उनसे उनको आगाह करती हैं। और हमारा मकसद ये था कि हम चाह रही थी कि ये जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत स्टिग्मेटाइज्ड है हमारे माशरे में, ठीक है ना, बहुत सारे लोग इससे मतलब उसको बहुत डरते हैं, बहुत खुफिया समझते हैं, और मतलब जब उनको चाहिए होती है मदद किसी साइकियाट्रिस्ट से, हाँ बिल्कुल, तो हमारा ये था मकसद कि हम इसको डिस्टिग्मेटाइज करें, हम लोगों की अवेयरनेस को बढ़ाएँ, उनको एम्पावर करें कि वो कुछ ना कुछ अपने लिए करें, और अगर स्पेशलिस्ट मदद की ज़रूरत हो तो वो ज़रूर हासिल करें। मैम, फ्यूचर में कोई ऐसा ख्वाब आपने देखा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहती हैं अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए, जो आप एक पॉजिटिव फ्यूचर गोल आपका क्या है?
ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहूँगी, लेकिन वो यही मैं कासिम अली शाह साहब से भी यही बात कर रही थी कि कैसे इसको कैसे आप अपने आप को फोकस कैसे करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक इंसान बहुत सारी 10-12 चीज़ें तो नहीं कर सकता, चंद चीज़ें होती हैं, तो आप कुछ मतलब आप सोचें कि आपके अंदर क्या सलाहियत है और आप क्या कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुझे मतलब ज़रा ये मेरी एक्सपर्टीज़ है मेंटल हेल्थ जो है, और मुझे मतलब कि थोड़ा बहुत मैंने मीडिया का शुरू किया है यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, यू नो पब्लिक इंटरेक्शन, तो इसको मैं चाहूँगी कि इसको बढ़ाऊँ किसी तरह इंशाल्लाह। मैम, कासिम अली शाह साहब के काम और उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? तो कासिम अली शाह साहब की मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, ऐसे ही उनके साथ मेरा तारफ हुआ है कि ऑनलाइन ही हुआ है कि उनके वीडियोज़ देखे, उनके यूट्यूब्स के जो स्पीचेस थी वो सुनी, तो मैं बहुत उनसे मुतासर हुई, जैसे मतलब इतने माशाल्लाह इतने इंस्पिरेशनल इतने मोटिवेशनल हैं। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा उनकी जिनकी वजह से मुझे मतलब के उनकी तरफ रुझान हुआ वो ये है कि वो बिल्कुल अल्लाह ताला और उनके रसूल को शामिल करते हैं हर चीज़ में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर चीज़ में मतलब उनका ये होता है कि वो अल्लाह के साथ जुड़े रहना। हाँ, रिलीजन और कल्चरल वैल्यूज़ को नहीं छोड़ते हो। जी बिल्कुल, मतलब हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में उसका हमारा मतलब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ होना चाहिए, तो ये चीज़ जो बार बार वो जो बताते हैं तो उसके बहुत मुझे उससे मतलब कि दिल लगी होती है, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में उसको उसके ऊपर अमल करूं। और ये कि मतलब बहुत विजनरी हैं वो, बहुत लंबी बहुत दूर की सोच रहे थे, बहुत रोशन ख्याल हैं, और उनकी ये कोशिश है कि हम अपने माशरे को मतलब आगे लेके जाएं, इसको यू नो आगे डेवलप करें और यू नो तरक्की याफ्ता एक कौम बने हम, तो बिल्कुल वो सर हम सब भी यही चाहते हैं, तो बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसका एक वो एग्जांपल है इस चीज़ का। थैंक यू सो मच डॉक्टर सादिया मोहम्मद साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ास तौर पे जिस तरह इन्होंने बताया कि अगर आप शुक्र अदा करते हैं तो आपकी नेमतों में इजाफा होता है, इसकी प्रैक्टिस करने के इन्होंने 2-3 मेथड्स बताए। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।